हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शबिस्ता खान, वाइफ ऑफ डॉक्टर कफील खान। जैसा कि डॉक्टर कफील खान ने सभी देशवासियों के नाम एक लेटर लिखा है जो कि हमने फेसबुक और ट्विटर पे भी डाला है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं उस लेटर को खुद अपने से पढ़ के आपके सामने बयान करूँ कि उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है। मैं इस लेटर, ये उनका लेटर है, मैं इस लेटर को आज पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, माई फेलो इंडियन सिटीजन, मेरा NSA यानी रासुका यूपी सरकार ने 3 महीना और बढ़ा दिया है। जैसा मुझे अनुमान था कि टेस्टिंग बढ़ने के साथ कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम स्टेज 3 यानी कम्युनिटी ट्रांसफर फेस में एंटर कर चुके हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि इस वक्त जितने कोरोना पॉजिटिव भारत के आंकड़े हैं उसमें 10 गुना अभी भी अनडिटेक्टेड है। आज जब देश हॉस्पिटल बेड, डॉक्टर्स, नर्सेस, PPE किट्स, इक्विपमेंट से जूझ रहा है, तो इन जेल दीवारों के बीच मुझे और हमारे हेल्थ फॉर ऑल, स्वस्थ का मौलिक अधिकार कैंपेन को बहुत जरूरत महसूस हो रही है। BRD ऑक्सीजन फैसिलिटी के बाद भारत भ्रमण के दौरान ये एहसास हुआ कि BRD ऑक्सीजन फैसिलिटी वॉज अ जस्ट अ ब्रूटल फैक्ट ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। हमारी पूरी स्वास्थ्य प्रणाली ही बुरी तरह चरमराई हुई है। तभी ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस टूटी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए जिंदगी लगा दूंगा। हमने 25 लोगों की टीम बनाकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, CEO, डॉक्टर्स, हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स थे, 6 महीने की कड़ी मेहनत से WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के डेटा कलेक्ट कर करीब 110 पन्नों का प्रपोजल तैयार किया, जिसने हमें 13 राज्यों में डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया। हमने ये प्रपोजल हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सर को भी दिया। इसमें बताया कि जिस तरह हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, जिस तरह गांव के गरीब पहला संपर्क डॉक्टर से होता है, सफेद हाथी की तरह सिर्फ पेपरों में जीवित है, खासकर इंडिया के राज्यों में 80% डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हर घंटे में 100 बच्चों की मौत 2019 असमय हुई। 5 लाख लोग TB से मरे जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे थी भारत में 3% GDP का हेल्थ एक्सपेंडिचर पर करना होगा। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों को सांसद के पास करा राइट टू हेल्थ केयर बनाया जाए, ताकि बिना किसी जाति, धर्म, गरीबी, किसी जेंडर पैरामीटर में मुफ्त और फ्री इलाज उसके घर में 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत प्राप्त हो। काश सरकार ने हमारी सुनी होती तो आज हम इस परिस्थितियों से ना जूझे होते। मैंने कोरोना वायरस के बारे में 27 जनवरी 2020 को भी अपने फेसबुक पेज drkafeelkhan@facebook.com, drkafeelkhanofficialpage, youtube.com पर आगाह कर दिया था, जब भारत में एक भी केस नहीं थे। पर मुझे ये एहसास था कि जिस दिन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। पर अफसोस, 2 दिन बाद ही यानी 29 जनवरी 2020 को मुझे जेल भेज दिया गया। कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी NSA रासुका लगा दिया गया। हालांकि कोर्ट ने माना कि मेरा कोई अपराध इतना गंभीर नहीं था। मैंने 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री को लिखे खत में भी यह बात कही थी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें फर्स्ट सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा एक्सटेंसिव टेस्टिंग, तीसरा आइसोलेशन, फोर्थ ट्रीटमेंट, फिफ्थ अवेयरनेस के द्वारा लड़ना होगा। पर अफसोस, 3rd लॉकडाउन हो गया। टेस्टिंग पैमाने से भारत अभी भी सबसे नीचे है। कम से कम 10 लाख टेस्ट रोज जब तक नहीं होंगे, हमें कोरोना मरीज का सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कोरोना वायरस के चक्कर में बाकी बीमारियों के इलाज में बहुत लापरवाहियां हो रही हैं। आज भी 100 बच्चे हर घंटे करीब दम तोड़ रहे हैं। 1300 लोग रोज TB से मर रहे हैं। अपने कितनी खबरें सुनी होंगी, बुखार से अधेड़ की मौत, घर वाले इलाज के लिए भटकते रहे, स्वजन बालक की मौत, गर्भवती इलाज के लिए भटकती रही, बच्चा बच्चे की मौत। मैं फिर भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। फर्स्ट, लॉकडाउन टेम्परेरी है और सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि आप अपने विपदा के लिए तैयार हो जाएं। सेकेंड, टेस्ट टेस्ट टेस्ट
आइसोलेट एंड ट्रीटमेंट 10 मिलियन टेस्ट RT-PCR पर डे ताकि सभी एसिम्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर चिन्हित हो और उन्हें आइसोलेट किया जाए। हर डेथ चाहे किसी कारण हो, कोरोना फैक्ट हो, कोरोना वॉरियर हो, हर हफ्ते टेस्ट है। फोर्थ, इकोनॉमी जो इस मतलब ऐसा है कि ध्यान दे रहे हैं। फिफ्थ, गरीब मजदूर प्रवासी जो भूखे मर रहे हैं उनके हाथों में कम से कम 5,000 रुपए प्रति महीना रखना चाहिए। रमजान का पाक महीना चल रहा था, हर रोज खोलते वक्त अल्लाह से यही दुआ करता था कि जल्द से जल्द मेरे देश को इस महामारी से बचा ले और किसी की मौत ना हो। रामायण रोज सुबह और रात देख रहा था। उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के से कहते हैं कि राजा का राज हट नहीं करना चाहिए, तो फिर से इस पत्र के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि जो राज हट की मुझे जेल में ही रखेंगे, छोड़कर राज धर्म का पालन करने। मैं इस सैकड़ों कैदियों के बीच और लाखों मक्खियों और हजारों मच्छरों के बीच उस बस तड़पता हूँ कि कैसे हाईकोर्ट मेरी केस को जल्दी सुनवाई करे और मैं फिर से मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए काम में लग जाऊं, मुजफ्फरपुर ही चला जाऊं, चाहे बेचारे बच्चे चिमकी बीमारी से जो आज मर रहे हैं। आखिर मैं उन सब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुक्रिया अदा करता हूँ जो रोज मेरे लिए दुआ और प्रार्थना प्रेयर करते हैं। मुझे जुडिशरी पर यकीन है कि जल्द ही जल्द ये गलत अलोकतांत्रिक झूठा देवेश में लगाया गया NSA हटा निरस्त कर देंगी और मैं फिर आजाद होकर आपके बीच बच्चों का इलाज करता रहूंगा। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। ये डॉक्टर कफील का लेटर था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि डॉक्टर कफील को जल्दी से जल्दी उनको जमानत मिले और वो हमारे बीच आकर फिर से उन बच्चों का इलाज करें जो गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। शुक्रिया।